अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और आज हम करने जा रहे हैं पोको X3 प्रो का गेम प्ले, पबजी का टेस्ट। बात करते हैं कुछ स्क्रीन की, तो यहाँ पर 6.67 इंच का IPS पैनल, 120Hz का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, स्मूथ है भाई पहले से काफी ज्यादा, और 240Hz का टच सैम्पलिंग देखने को मिल जाता है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अपनी प्राइस ब्रैकेट में पहला ऐसा फोन है जो कि स्नैपड्रैगन 867 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनाया गया प्रोसेसर है ये, और ये काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है भाई। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 1.0 प्लस भी मिल रही है। एड्रीनो 640 का GPU, 8GB का वेरिएंट है और 256 वाला वेरिएंट है मेरे पास, और साथ के साथ ये भी बताता हूँ जो 6GB वाला है वो भी यही ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा। काफी सारा दोस्त पूछ रहे थे तो भाई वहां पर ही आपको 60fps का गेम प्ले मिल जाएगा। बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर आपको 434,515 का बेंचमार्क स्कोर प्रोवाइड करता है, एक रीजनेबल और काफी अच्छा बेंचमार्क स्कोर है इस प्राइस को देखा जाए। टच काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी देर से मैं खेल रहा हूँ, और जो FPS हम काउंट करेंगे वो इस फोन का जो हमें गेम बूस्टर गेम टर्बो मोड मिलता है उसी में से हम FPS को काउंट करेंगे। इस टाइम जब मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ 56 बैटरी है, 18 जो है वो GPU का टेम्परेचर है, और तकरीबन हमें 33 जो है वो टेम्परेचर देखने को मिल रहा है हमारे CPU का। और साथ के साथ स्टॉपवॉच को रन करते हैं और देखते हैं कि पबजी लोड कितनी देर में होती है। तो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ स्टार्ट प्लेइंग पे करते हैं, और साथ के साथ हम टेम्परेचर को भी मेजर कर लेते हैं कि फिजिकल टेम्परेचर ऊपर वाली साइड पर क्या है। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर 29 के अराउंड जो टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट आप 30 भी कह सकते हैं। और ऐसे ही हम रियर टेम्परेचर को भी चेक कर लेते हैं, उतनी देर पबजी लोड हो जाती है तो रियर पर भी हमें कुछ 30 के ही अराउंड टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो टेम्परेचर इस टाइम नहीं है, और AC रूम में मैं गेमिंग कर रहा हूँ, गर्मी आ रही है तो भाई AC चलता है। तो फाइनली यहाँ पर तकरीबन 23 सेकंड लिए हैं पबजी ने लोड होने में, और नॉर्मली इस प्राइस के हमने जितने भी 8GB वाले वेरिएंट देखे हैं जो हायर प्रोसेसर के साथ आते हैं वहां पर हमें यही लोडिंग टाइम मिलता है 20 से 25 सेकंड का। तो पबजी लोड हो चुकी है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ग्राफिक्स की, और मैं स्टॉपवॉच को रन कर लेता हूं ताकि हमें अंदाजा हो हमने कितनी देर की गेमिंग की है। और यहां ग्राफिक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो में बताया था कि आपको बैलेंस के साथ एक्सट्रीम और HDR के साथ भी एक्सट्रीम मिल जाता है, और अल्ट्रा HD पर भी आप गेम प्ले कर सकते हो। तो मैं बैलेंस के साथ एक्सट्रीम पर खेलूंगा, 60fps का ऑप्शन मिलता है, और साथ के साथ हम यहां पर मैं अपनी जरा जायरो की कनेक्टिविटी भी दिखा देता हूं। ऑलवेज ऑन जायरो ऑन कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, जायरो का मैं बहुत बहुत बुरा प्लेयर हूं क्योंकि मुझे लेट के खेलने का शौक है और जायरो में मैं उस तरीके से फ़ोन को ग्रिप नहीं कर पाता। लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार जायरो का आप गेम प्ले ज़रूर दिखाया करें कि कहीं डिले तो नहीं है, तो पहले हम जायरो को चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉपर गेम प्ले कैसा है कैसा नहीं। डुअल स्पीकर मिलते हैं, विदाउट हैंड फ्री भी हम खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टीम डेथ मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर हम लिविक और सैनहॉक के भी फ्रेम रेट को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, और जो मेरे साथ खेलने वाले बंदे हैं मैं उनको भी बुला लेता हूँ। वेल दोस्तों, TDM में मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले हम जायरो चेक करते हैं कि जायरो का जो कैमरा है वो डिले तो नहीं करता। तो यहाँ पर जायरो में फिलहाल तक तो कोई डिले नहीं है। हाँ, साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर है, और मैं यहाँ स्पीकर भी बंद कर देता हूँ, बहुत शोर डालते हैं। जायरो का पहले गेम प्ले करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे बाकी अपना जो नॉर्मल गेम प्ले है वो। और यहाँ स्क्रीन पर भी हैंड कैम चल रहा होगा और रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, फिलहाल तक तो कोई स्टटर नहीं है, और मुझे तकरीबन यहाँ पर इस पर हाथ सेट करने में 1 घंटा लग गया। तो ये पहला कुर्बानी, तो फायर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, फायर कनेक्टिविटी अच्छी है हमारे TDM की हद तक, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली देखेंगे कुछ स्टटर या फ्रेम ड्रॉप तो नहीं है। एज सच जो जायरो है वो तो अभी इस टाइम तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि मैं थम का ज़्यादा अच्छा प्लेयर हूँ, थम पे मुझे खेलना आता है। तो यहाँ फायर कनेक्टिविटी नो डाउट काफ़ी अच्छा है, ऑल दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर 60fps पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप वो इजीली स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। व्हाट अ शॉट बेबी,
spree for the blue team. The red team is unstoppable. और यहाँ फिर से जायरो को चेक कर लेते हैं. जायरो की एक प्रॉपर मूवमेंट है. एज आई सेड बिफोर के मैं जायरो का इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ. और यहाँ FPS की बात करते हैं तो अराउंड 60-66 FPS हमें गेम प्ले मिल रहा है. और कोई भी ऐसा सच यहाँ फ्रेम ड्रॉप मुझे अभी तक तो नहीं मिला. और फिर से हम चेक करते हैं FPS को तो यहाँ पर जो गेम प्ले है वो 60-60 FPS 68 FPS भी मिल रहा है भाई. तो एक्सट्रीम पर आपको अराउंड 68 FPS के गेम प्ले मिल रहा है. और फाइनली वी वॉन. वेल दोस्तों ये तो बात होगी TDM की. फायर कनेक्टिविटी ठीक है, फ्रेम ड्रॉप कोई भी नहीं है TDM की हद तक. फिर से अब मैं जायरो पे खेलूंगा सैनहॉक और सैनहॉक के फ्रेम रेट को चेक करेंगे कि हमें सैनहॉक में क्या फ्रेम रेट मिलता है. तो सैनहॉक में सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसको हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे फ्रेम्स आते हैं. वेल दोस्तों सैनहॉक की बात की जाए तो यहाँ अभी जब हम लोग होते हैं प्लेन से पहले तो हमें ठीक देखने को मिला. और यहीं से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ अंदाज़ा होगा. सो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा माइक भी खोलना पड़ेगा. वेल प्लेन्स के कलर्स की बात करें और साथ के साथ हम कुछ डिस्प्ले की डायनामिक रेंज की बात करते हैं तो हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं. इवन रेंडरिंग को चेक करेंगे हम लोग बूट कैम में उतर के. और बूट कैम में उतरने से पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास अराउंड 40-60 FPS वेरी कर रहा है अपने ही जो FPS काउंटर से है. जैसे मेरे पास गेम बेंच का जो लिंक है आ जाता है तो फिर देखेंगे. और यहाँ हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला. 58, 59 और 60 FPS पर गेम प्ले चल रहा है. और अब हम डिस्प्ले की रेंडरिंग को देखते हैं कि डिस्प्ले की रेंडरिंग कैसी है. एड्रीनो 640 के GPU की रेंडरिंग कैसी है तो हमें ठीक देखने को मिल रही है. नीचे हाउसेज भी सही स्पॉन हो रहे हैं और काफ़ी सारे बंदे उतरे हैं. लेट्स सी कि सैनहॉक में हम बचते हैं कि नहीं बचते. तो गेम प्ले करते हैं और देखते हैं उतर के कोई स्टटर या कोई ऐसा लैग तो नहीं आता. तो फिलहाल हम जंप कर रहे हैं. तो जंप हम कर चुके हैं और बंदे हमारे साथ ठीक ठाक उतरे हैं. अबे मैंने इसको मारा है यार ये बंदा है इधर. वेल दोस्तों पहले सैनहॉक में तो हम लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सके लेकिन एक बार फिर से सैनहॉक को ट्राई करेंगे. FPS मुझे ठीक देखने को मिल रहे हैं. हाँ अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे गेम प्ले करते हैं तो आपका यहाँ पर सारा वो गेम प्ले जो है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है. मैं जायरो को ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि मैं जायरो से नहीं खेल सकता. तो जायरो को यहाँ पर फिलहाल सिर्फ स्कोप ऑन पे ही कर देते हैं. बाकी मूवमेंट जो है फिलहाल वो हम अपनी नॉर्मली रखेंगे. अब देखते हैं कि सैनहॉक में हम किस तरह सर्वाइव करते हैं नहीं करते. और जब सैनहॉक स्टार्ट होगा जब हम जंप करेंगे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूंगा. और ऑलमोस्ट मुझे 12 मिनट हो गए हैं पोको X3 प्रो पर खेलते हुए. तो फ्रंट साइड का टेम्परेचर जहाँ पर हमारा थंब होता है 33 अराउंड है और बॉटम की साइड पर 32 के अराउंड है. और ऐसे ही बैक साइड का टेम्परेचर लिक्विड कूलिंग का चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर 34.5 है. तो टेम्परेचर ज़्यादा गेन नहीं किया इस फोन ने लेकिन फिलहाल देखते हैं आगे चल के क्या बनता है क्या नहीं. तो अनलॉक कर लेते हैं इसको. अब हम फिलहाल सैनहॉक में चल रहे हैं. थोड़ी सी मैचिंग लगी हुई है तो यहाँ फिर से सैनहॉक में आ चुके हैं. स्क्रीन थोड़ी सी मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई है क्योंकि जो ये मैप आया है ये ज़रा थोड़ा सा डार्क है और पिंग भी ज़रा इधर उधर हो रही है. तो देखते हैं अब जंप करके जंप मुझे करवाना है फ्रेम्स कैसे मिलते हैं ये देखते हैं. तो हम जंप कर लेते हैं. थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आया है जंप करते हुए. ऑल्दो तकरीबन आधी लॉबी जो है वो यहाँ सैनहॉक के बूट कैम्प में आ रही है. तो हम ट्राई करेंगे कि हम पहले उतर सकें. तो जब हम सैनहॉक पर उतरते हैं कोई हमें सच ड्रॉप तो नहीं मिला फ्रेम ड्रॉप जिसको बोलते हैं हम लोग. लैग कोई नहीं था. बंदे आ रहे हैं.
फारेग एक और है, आवाज आ रही है। ये सिर्फ है, वॉच आउट। पिंक थोड़ा सा इधर उधर हो रही है। नोवा भी मार्क करो, वॉच आउट। अंदर है, enemies ahead. बंदा है आगे, निकला तू वहां से, फ्री फायर दे, फ्री फायर। ये था हमारा गेम प्ले सैनो का, काफ़ी लंबा हो गया मैप भाई, ऑलमोस्ट अब पूरे फोन पर हमने एक सैनो का मैप खेला है जिस पर 5 ही किल कर सका, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्मोकी मैप था, लेकिन टेम्परेचर की बात करते हैं तो फ्रंट्स वाला जो है फ्रंट साइड मैक्सिमम 36.8 डिग्री पे पहुंचा है और बॉटम की साइड पे 36 है, और बैक साइड को देखते हैं कि हमारा कितना पहुंचा है टेम्परेचर, और बैक साइड पर भी 36 है तो टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा गेन नहीं किया फिलहाल तक। ये गेम प्ले काफ़ी अग्रेसिव था और टिल नाउ हम उसी ग्राफिक्स पर खेल रहे हैं जो कि हम पहले से खेल रहे थे। फायर कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, इवन दो हैंड्री का आउटपुट भी मुझे ठीक देखने को मिल रहा है, और वो तो खैर हमने पोको एक्सट्रीम में भी चेक किया था। और ग्राफिक्स जो है अभी तक मेरे पास बैलेंस के साथ एक्सट्रीम पर है, जब गेम शुरू की थी तब 56% बैटरी थी, स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास जो है बैटरी वो 41% पर पहुंची है, ऑलमोस्ट 14% आधे घंटे में डाउन किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, ये बात याद रखिएगा। इसको फिर से हम पबजी में चलते हैं, अब हम लिविक खेलते हैं थोड़ी देर, और लिविक खेलने के बाद देखते हैं कि भी हमारा क्या ओपिनियन है। वेल दोस्तों, स्टॉपवॉच स्टार्ट कर रहा हूं, लिविक स्टार्ट हो चुका है, लिविक की जो हमारी लॉबी इसको बोलते हैं, लॉबी में जो कलर्स होते हैं वो ठीक हैं, और अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले निकल कर आ रहा है, और जैसे ही लिविक स्टार्ट होगा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ स्टार्ट कर दूंगा और हम फिर अंदाज़ा लेंगे कि गेम प्ले कैसा है। और फिलहाल जो लॉबी में FPS हैं वो भी कुछ अराउंड 58-60 FPS ही आ रहे हैं। प्ले के अगर कलर्स की बात करते हैं, ऑल दो मेरी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ोन की ब्राइट नज़र आ रही होगी, लेकिन कलर ठीक निकल कर आते हैं। हमने पावर प्लांट उतरना है और यहाँ कुछ एज सच लैग तो नहीं है, फिर भी हम चलते हैं पावर प्लांट, और साथ के साथ मैप के कलर्स की बात करते हैं तो वो भी हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं, और एज सच कोई डिले नहीं है टच में, टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। Enemies ahead. तो एक स्क्वाड उतर चुका है, लेट्स सी कि वो कहाँ उतरता है और हम कहाँ उतरते हैं। खैर हम से भी उतरे, दो बंदे पीछे उतर जाओ,
Watch out. Watch out! Watch out! ओके जी दोस्तों, ये था हमारा फाइनल गेम प्ले पबजी को लेके। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपने देख ली होगी, गेम प्ले काफ़ी अच्छा है भाई। फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, स्पॉनिंग काफ़ी अच्छी है और साथ के साथ प्रेफरेबल डिवाइस है। फाइनल हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने जो पबजी खेली है वो है तकरीबन अब पौना घंटा जो पबजी सिर्फ खेली है, और फ्रंट साइड का टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। याद रहे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी और 60 FPS पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी, और बैक साइड का टेम्परेचर मैक्सिमम 35 पर है। बैक साइड कैमरा बम्प पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 36 है। तो फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट नहीं होता। हाँ, यहाँ पर हमेशा हीटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। और फाइनल जो बैटरी है वो 20% कंज्यूम की है, तकरीबन 35 मिनट गेमिंग की है विद रिकॉर्डिंग। तो यहाँ गेम प्ले को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मेरी तरफ से प्रेफरेबल डिवाइस है। यू कैन गेट दिस, और इस पैसों में आपको इस तरह का गेम प्ले और कोई डिवाइस प्रोवाइड करने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पबजी का जो गेम प्ले मैंने आपको दिखाया है ये आपको पसंद आया होगा। FPS ड्रॉप के साथ एक डेडिकेटेड बाद में जब मेरा जो गेम बेंच वाला लिंक है वो जब ओपन हो जाएगा तब मैं FPS काउंटर के साथ भी आपको एक गेमिंग रिव्यू डेडिकेटेड दे दूंगा। और अगर आप कोई यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐप GFX टूल वगैरह यूज़ करते हो तो 90 FPS का भी ऑप्शन आता है, बट मैं उसमें कभी आपको रेफर करने वाला नहीं हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपेरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूँ लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।